हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये समर की सीजन में बहुत ही यूजफुल है और रिसेंटली हमने ये D-mart से परचेस किया है। तो आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये है मिनी पोर्टेबल टेबल फैन विथ लाइट जो कि हमने D-mart से खरीदा था। ये इस बॉक्स में आया था, इसी के साथ आया था ये चार्जिंग केबल इसका। तो इसका जो मटेरियल है ये फाइबर का बना हुआ है और इसका जो ब्लेड है अंदर ये भी फाइबर का बना हुआ है। ये रिचार्जेबल टेबल फैन है और इसके सामने ये है LED लाइट और इधर जो है ये LED स्विच है और इस साइड में फैन का स्विच है। तो बीच में 5 इंडिकेटर है। ये पहले वाला इस साइड से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट आते हैं ये चार्ज का इंडिकेटर है, नेक्स्ट ये लो बैटरी का इंडिकेटर है, जब आपका इसका बैटरी लो हो जाएगा तब इसका इंडिकेट करने के लिए ये लो बैटरी इंडिकेटर, और लास्ट जो 3 है ये है लो, मीडियम और हाई। ये तीनों इंडिकेटर है, जब आप फैन चलाएंगे या तो फिर लाइट को जलाएंगे तब आप इसे लो, मीडियम और हाई इन तीनों स्पीड में फैन चला सकते हैं और लाइट का मोड चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका इंडिकेटर है। तो पीछे आप देखते हैं, इसके पीछे एक पावर स्विच है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है ऑन और इसे ऑफ कर सकते हैं इधर से, और ये है पोर्ट, इसे आपको इधर कनेक्ट करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, ऐसे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने बहुत सारा मार्केट रिसर्च के बाद ही ये फ़ैन ख़रीदा क्योंकि इसकी हवा बहुत ही स्वीट है, साथ ही साथ इस फ़ैन की कोई साउंड नहीं है। तो आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे वीडियो बनाते टाइम आप यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी साउंड नहीं रिकॉर्ड होता है। और इसका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लाइट और फ़ैन दोनों ही एक साथ है, इसीलिए लोड शेडिंग होने के टाइम आप ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चला सकते हैं, फ़ैन या तो फिर लाइट या तो फिर दोनों ही एक साथ चला सकते हैं। और आप इसे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, टेबल, फ्लोर, बेड, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। इसका जो पावर बैकअप है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिर्फ फ़ैन को चलाएंगे तो ये हाई स्पीड में 2 आवर्स तक, मीडियम स्पीड में 4 आवर्स तक और लो स्पीड में 7 आवर्स तक पावर बैकअप देगा। अगर आप सिर्फ LED लाइट को जलाएंगे तो फिर ये 2.5 से 35 आवर्स तक पावर बैकअप देगा। और साथ ही साथ आप फ़ैन का जो डायरेक्शन है आपको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये रोटेट होता है लेकिन ये साइड में नहीं रोटेट होता है, तो इसीलिए अगर साइड में अगर कोई बैठेगा तो उसे हवा नहीं लगेगा, सिर्फ सामने इसकी जो बैठा रहेगा उसे ही हवा लगेगा। मुझे ये एक थोड़ा सा कॉन्स लगा इसकी। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 12 से 15 आवर्स तक है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो सर्विस देता है पावर लेने के बाद तो वो तो काफ़ी अच्छा है। मैंने ऑलरेडी बताया इसका पावर बैकअप बहुत ही अच्छा है। और एक बात, इसके साथ कोई वारंटी नहीं आता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है ये देख के मुझे लगता है ये अच्छे से चल जाएगा। इतने दिनों से मैं यूज़ कर रही तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है। इसका जो प्राइस है 799, इसी के हिसाब से ये फ़ैन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे तरफ से तो एक बिग थम्स अप है। तो ये तो था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।